13 equals 18. क्लास में करा था ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसमें आपके पास जैसे 2x plus 3y is equal to anything, 6x plus 7y is equal to something, ऐसे कुछ नहीं लिखा होता था, तो आप x और y की वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास हुए दो वेरिएबल्स। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं, यानी कि तीन वेरिएबल हो जाते हैं, नॉर्मल मैथमेटिकल मेथड से उसको भी करा जा सकता है सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन मैट्रिसेस से आप देखेंगे तो मैट्रिसेस से काफ़ी आसान तरीके से होता है। अच्छा, और ऐसे ही जो टू वेरिएबल्स वाली है जिसमें दो इक्वेशंस होती है, उनको भी सॉल्व करा जा सकता है मैट्रिसेस की हेल्प से, ठीक है, वही हमको देखना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस using inverse of a matrix. Consider the system of equations A1x plus B1y plus C1Z
is equal to d1 a2x plus d2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ठीक है, तो ये हमको तीन इक्वेशंस दे रखी हैं। अब ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इन तीन इक्वेशंस को देखिए हम लिखेंगे किस तरह से, हम इनको मैट्रिसेस के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? ऐसे लिखेंगे ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। तो ये एक मैट्रिक्स बना ली और इधर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे एक्स वाई जेड डी वन डी टू डी थ्री, ये हो गया। और अब आप इसको ना करके भी देख दो, करके भी देखेंगे तो हमारे पास जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बन गई, थ्री बाई थ्री की। और जब इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एक दो तीन तीन रो और एक कॉलम, तो थ्री बाई वन की। तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई होंगे? क्योंकि इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो थ्री बाई वन ऑर्डर की बनेगी। थ्री बाई वन ऑर्डर की मतलब ऐसी बनेगी एक्स वाई जेड जैसी, इस तरह की। तो ये मैट्रिक्स बनेगी कैसे? पहली रो इंटू पहला कॉलम, एक ही कॉलम है तो पहली रो इंटू यही वाला कॉलम, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? यही ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड। उसके बाद दूसरी रो इंटू ये वाला कॉलम, तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड। ठीक है, फिर तीसरी रो इंटू ये वाला कॉलम, तो ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड। यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, और इज इक्वल टू में क्या है? डी वन डी टू डी थ्री। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन हो जाएगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू हो जाएगा। तो हमारे पास यही तीन इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इस वाली ये जो थ्री बाई थ्री वाली मैट्रिक्स है, इसको बोल देंगे ए। ये जो थ्री बाई वन की मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड की, इसको बोल देंगे एक्स कैपिटल एक्स। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको बोल देंगे बी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए को इधर ले जाइए तो एक्स इज इक्वल टू इधर जाकर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपको ए इनवर्स पता चल जाए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास x आ जाएगा। x क्या है? x y z, तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपको करना है। अब क्वेश्चंस देखते हैं और इसमें एक चीज और देखनी है। Example number 16, solve the system of equations
द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 2x plus 5y is equal to 1. 2x plus 5y is equal to 1. 3x plus 2y is equal to 7. 3x plus 2y is equal to 7. ठीक है, तो ऐसे तो दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सीधा सीधा निकाल सकता हूँ, मेथड आपको पता है, लेकिन मैट्रिक्स यूज करके निकाल, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसके 2 5 3 2 इसकी एक मैट्रिक्स बना लो, और जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई इसकी एक मैट्रिक्स बना लो, और इधर जो है 1 और 7 इसकी एक मैट्रिक्स बना लो। A is equal to 2, 5, 3, 2, x is equal to x, y, और ये दो वाले मैट्रिक्स है, ये है b, 1, 7, ये हो। अब हमारे पास a है, तो a 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स बड़े आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो काम करेंगे एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ही क्या होगा, इस टू और इस टू को बदल देना है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर देना, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों के साइन बदल देना, ये प्लस फाइव और माइनस फाइव, ये प्लस थ्री और माइनस माइनस फाइव माइनस, ये एडजॉइंट ए हो गया। एडजॉइंट ए के बाद में हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स कैसे निकालना है, दूसरा फोर माइनस थ्री फाइव या फिफ्टीन, तो माइनस फिफ्टीन इज माइनस इलेवन, ठीक है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वन अपॉन माइनस इलेवन इनटू माइनस फाइव माइनस थ्री, ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन माइनस इलेवन टू माइनस फाइव माइनस थ्री टू, ये तो हो गया ए इनवर्स, इंटू बी, बी क्या होगा, वन सेवन, ये वाली मैट्रिक्स कितनी की है, 2 बाई 1, तो इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2 बाई 1 की, तो पहली रो इनटू पहला कॉलम, वन अपॉन माइनस इलेवन यानी कि माइनस वन अपॉन इलेवन, पहली रो पहला कॉलम, तो 2 बनता है, और माइनस फाइव इंटू सेवन एस माइनस का 35, ठीक है। फिर दूसरी रो इंटू पहला रो, तो माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री प्लस टू इंटू सेवन 40, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन इलेवन, टू माइनस 35 इज माइनस 33, 14 माइनस थ्री इज प्लस का 11। अब इस एक्स की जगह लिख दीजिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और माइनस वन अपॉन इलेवन को अंदर मल्टीफाई करें तो माइनस वन अपॉन इलेवन इंटू माइनस 33 इज प्लस का 3, माइनस वन अपॉन इलेवन इंटू इलेवन इज माइनस का 1, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो मैट्रिक्स का यूज करके, इनवर्स का यूज करके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। एक तो ये हुआ, उसके बाद आप समझ गए होंगे कि भाई जो थ्री वेरिएबल वाला है, थ्री वेरिएबल वाला क्वेश्चन लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें इनवर्स निकालने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बाकी वो भी इसी तरीके से होगा। तो अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17 ये बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या दे रखा है, 3x माइनस 2y प्लस 3z, 3x माइनस 2y प्लस 3z is equal to 8. For 2x plus y minus z,
plus y minus z is equal to 1. 4x minus 3y plus 2z. 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इन तीनों अननोन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की, y की, z की, इनकी वैल्यू निकालनी है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कर लेंगे तो 3 माइनस 2 3 और दूसरा क्या हो गया 2x, 2x है तो 2 1 और माइनस 1 और तीसरा है 4 माइनस 3 प्लस 1। उसके बाद x, y, z, ये हो गया, x हो गया, और इसी तरह से लास्ट में b हो गया 814। अब देखिएगा, जैसे ये हमारे पास a है, मैं पहले इसका a इनवर्स निकालूंगा, तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। अब देखिए, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो एडजॉइंट ऑफ a को डायरेक्टली कर लें, डायरेक्टली कर लें। डायरेक्टली कैसे करा जाएगा भाई, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये साइंस होंगे इसके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन लगाने के बाद में फिर मुझे क्या करना होगा, जैसे प्लस का साइन लगाया, अब ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये करा जाता है। तो 1 2 जा 2 माइनस माइनस 3 इनटू माइनस 1 इज प्लस 3, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1 यानी को माइनस 1, समझ गए, ज्यादा शॉर्ट हो गया नहीं। देखिए हमने क्या करा कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो इस तरह से तो साइन लगाने का। अब क्या करेंगे, इस पहले एलिमेंट के लिए ये पहला कॉलम पहली रो छोड़ दो, पहला रो पहली कॉलम छोड़ दो, तो 1 इंटू 2 इज 2, एक तरफ दिमाग में रख लिया 2, और माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, तो 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज प्लस 3, तो 2 माइनस 3, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 1 आ गया, ठीक है। अगला जो एलिमेंट आएगा ये हमारा, इसका साइन लेंगे माइनस, ठीक, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4, 4 माइनस माइनस 4, 4 प्लस 4 8, ठीक। फिर ये वाला, इसका साइन होगा माइनस, तो माइनस लगा के यहाँ पर ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, 4 इंटू 1 इज 4, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, ठीक है। और एक काम याद रखना, टी जरूर आ रहा है, ट्रांसपोज करना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, पहले रो के कोफैक्टर्स आ गए, उसके बाद दूसरी रो के बात करेंगे, तो दूसरी रो छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो छोड़ दी पहला कॉलम छोड़ दिया, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस माइनस 3 इंटू 3 इज माइनस 9, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 9, तो 9 माइनस 4 5।
देगा प्लस साइन, अगला प्लस माइनस, तो प्लस लेना था प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर से प्लस। ठीक है, अब देखिए ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, दूसरी रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो जिसमें एलिमेंट ट्राई करना है, तो क्या बचेगा, 3 3 4 2, 3 2 6 माइनस 4 3 12, 6 माइनस 12 माइनस 6। अगला एलिमेंट माइनस साइन के साथ, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 3 into -3 इज -9 माइनस माइनस 8 माइनस 9 माइनस माइनस 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1। सही है, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसे गलती होने के चांसेस हैं तो चाहे तो रफ में करके देख लें, ठीक है, और चाहे तो प्लस माइनस वाला लगा कर देख लेना कि जैसे मान लीजिए हमने कहा ये वाला एलिमेंट है तो ये वो छोड़ दिए कॉलम छोड़ दिए, तो -2 into -1 लिख लो एकदम प्लस 2 -3 तो 2 - 3 ऐसे कर लिया, है ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे कर लिया हमने कहा ये वो छोड़ दिया ये कॉलम छोड़ दिया, -2 into -1 इज प्लस का 2 1 into 3 इज 3 2 - 3 इज -1 माइनस वन, और इसका साइन क्या था, प्लस था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस साइन के साथ आएगा, ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो, 3 into -1 इज -3 2 3 6 -3 - 6 -9, ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो, 3 into 1 इज 3 -4 3 - -4 मतलब 3 + 4 मतलब प्लस साइन, अब सॉल्व, ये हो गया ट्रांसपोज नहीं है तो ये पहली रो का पहला कॉलम बना दीजिए -1 -8 -10, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दीजिए -5 -6 +1, तीसरी रो का तीसरा कॉलम -1 9 और 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, हमें चाहिए होता है ए इनवर्स, तो अब क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट भी निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट ये पहला एलिमेंट, इसको छोड़ो तो 1 2 2 2 - 3 - 1, तो ये पहला एलिमेंट है प्लस साइन के साथ, तो प्लस 3 2 1 2 2 -3 2 - 3, अगला एलिमेंट माइनस साइन के साथ है लेकिन -2 भी है, -2, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 2 2 4 + 4 4 - -4 -, मतलब प्लस, तो 4 + 4। ठीक है, अगला एलिमेंट विद अ प्लस साइन +3 तो ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 2 into -3 इज -6 -4। ठीक है, तो 2 - 3 इज -1 -1 into 3 इज -3 +2 8 = 16 और -6 - 4 इज -10 into 3 इज -30 -33 + 16 हो जाएगा -17 हो गया। ठीक है, तो ए इनवर्स 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -17 1 upon -17 इनटू एडजॉइंट ए -1 -5 -1 -5 -1 -8 -6 -9 -10 1 और 7। देखिए इसमें मुझे ना फायदा इसमें नज़र आ रहा है कि इधर 9 7 और 1 बस ये तीन एलिमेंट्स ही हैं जो पॉजिटिव के हैं। ठीक है, तो मैं ये सोच बाकी सारे नेगेटिव के हैं, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव कॉमन ले लेंगे ताकि इस माइनस से वो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाए, तो हमने क्या करा, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो -1 upon -17। ठीक है, ये हो जाएगा 1 5 1 8 6 और इसका साइन बदल जाएगा -9 और ये 10 -1 और -7। ठीक है, इधर नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो ओवरऑल मेरे पास ए इनवर्स ये आ गया। ठीक है, ए इनवर्स आने के बाद में बस यहीं तक की मेहनत है, उसके बाद आपको ए इनवर्स इनटू बी निकाल लेना है एक्स आ जाए।
is equal to a inverse b, x is equal to a inverse b. A inverse क्या है? 1 upon 17. One five one. 8 6 minus 9. 10 minus 1 minus 7. ये हो गया. तो ये a इनवर्स हो गया. इसको b को मल्टीप्लाई करना है. b क्या है? 8 1 4.
एक मिनट रुकिए, बस मैं एक मिनट में चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, इसका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक और मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को रखेंगे टेस्ट, ठीक है? आपको सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है। अगर किसी का भी डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ जाता है तो आप कह देंगे इनकंसिस्टेंट है, और अगर नॉन जीरो आता है तो आप कहेंगे यस कंसिस्टेंट है। सिर्फ ये बताना है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं करा जा सकता। कंसिस्टेंट का मतलब किस इक्वेशन को सॉल्व करा जा सकता है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्व नहीं करा जा सकता। तो डिटरमिनेंट जिसका भी जीरो के बराबर आ जाए तो क्या है, इनकंसिस्टेंट, नहीं करा जा सकता सॉल्व, क्योंकि डिटरमिनेंट ही उसका, सॉरी इनवर्स ही उसका आपका नॉन डिफाइंड। उसके बाद देखिएगा सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, 7 से लेकर 14 तक ये सारा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, छोड़ रहा हूँ ये सारे, ठीक है? कुछ स्कूल की याद है, सारा छोड़ दीजिए, इसको करना है क्योंकि देख लीजिए सारे क्वेश्चन एक जैसे। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, उसने वर्ड विद थ्योरम लिखवाया ऑपरेटर होमवर्क, और इसमें देखिएगा लिखवा के वो पढ़ लिया असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, 15 में दे रखा है a is equal to 2 minus 3 5 और 3 2 minus 4 और 1 1 minus 2, फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स ऑफ द सिस्टम। मतलब बात तो वही है, उसे खोल-खोल के रख दिया क्या और ये वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ और नया नहीं करना है।
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 का बनाना भी जरा आप इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 16 की इक्वेशन बनानी होगी, बहुत प्रॉब्लम दे रखी है। बस इक्वेशन बना लो, उसके बाद आप कर लेंगे, कुछ ज़्यादा इसमें है पढ़ाई करो, फिर मिसलेनियस देखने हैं मुझे क्वेश्चन। अभी तो नहीं कुछ आया ऐसा, कम कर रहा है शॉर्ट और लॉन्ग वाले। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 35 मार्क के आएंगे एमसीक्यू, मतलब पहले 20 के आते थे, बस तुम पास और फेल का लगाते रहे ना। अच्छा चलिए जी, ये दे रखा है कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम अनियन, 3 किलोग्राम बीट, 2 किलोग्राम राइस का है 60, ठीक है 4 किलोग्राम। अच्छा लास्ट में ये बोल रहे हैं फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। तो 1 किलोग्राम जो अनियन है उसको एक्स मान लिया, और बीट जो है वो 1 किलोग्राम कितने का है उसको वाई मान लिया, राइस को जेड मान लिया। तो ये होगा आपका 4x + 3y + 2z = 60 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2x, अच्छा एक चीज़ और याद रखना है ना, गड़बड़ी करते हैं जैसे अनियन बीट और राइस लिखा हुआ है, अगले सेंटेंस में अनियन राइस और बीट लिखते हैं। हाँ वो मैंने सही कहा, तो ध्यान से देख लेना। तो जैसे यहाँ है 2 किलोग्राम अनियन, तो 2x + 4y + 6z = 90 दूसरी इक्वेशन ये है। और तीसरी इक्वेशन है, सबसे पहले अनियन है तो 6x + 2y + 3z = 70 है नहीं है बॉस भी है। ठीक चलिए जी, अब एग्जांपल नंबर 19 देखेंगे जो मिसलेनियस में दे रखा है। यूज प्रोडक्ट दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ये बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करना है, इस प्रोडक्ट को यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब सुनिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन में एकदम से ये लगता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या है। तो जरा ज़रूरत देखते हैं अभी क्या है, मल्टीप्लाई करके समझ में आ जाएगा। ठीक है मैं इस तरफ कर रहा हूँ, इसके बाद कौन से करना है, रिलेशन फंक्शन रिलेशन फंक्शन चल रहा है स्कूल में या हो गया चल रहा है रिलेशन फंक्शन करवाऊंगा इसको और सही में सर चुपचाप गया, सर मेरे को मैसेज आया था, सर ने ऐसे बोल दिया मेरे को, क्या भाई घर वाले बोलते सर ही बोल रहे हैं। अरे भाई
वो भी बोलते हैं। अरे हाँ, और रास्ते में हम बोल के चले गए, रास्ते में हम बोल रहे थे मरना। देखो सर, देखिए क्या ख्वाब आ रहा है मरने के। देखो मैं मस्त हो गया, अच्छी तरह से सुन ले, ओए पानी देना, सुन सुन पानी देके मरियो। तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 1.2 0 3 अरे शांत हो जाओ भाई, सॉल्यूशन में सही है माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू -2 -3 -2 -1 -2 -0 -1 -2 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 -
2 into -2 is -6 फिर तीसरी रो इनटू पहला कॉलम 3 into -2 is -6 -2 into -9 is -18 और 4 into 6 is +13 ऐसे ही दूसरा कॉलम 3 into 0 is 0 -2 into 2 is -4 +4 फिर 3 into 1 is 3 -2 into -3 is +6 4 into -2 is -8 ये हो गया। तो इसको देखकर ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट देखिएगा कितना आएगा, -2 -9 -11 -9 -1 1 2 -2 कट गया 1 + 3 4 4 - 2 कट गया 0 0 ये 0 हो गया 0 -3 is 1 और 6 - 6 कट गया ये भी 0 0 1 0 24 - 6 - 8 - 24 ये भी 0 और +4 - 4 कैंसिल आउट ये भी 0 और 6 + 3 9 - 8 is 1 इसका मतलब ये क्या आ गया ये आई आ गया। और जो पहली वाली मैट्रिक्स है जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये ए है, तो ए में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो आई आता है, ए में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो आई आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमको ए इनवर्स दे रखी है, तो जो ए इनवर्स निकालने का है वो ए इनवर्स नहीं निकालना हमको, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, जब कह रहे हैं कि यूज़ दिस प्रोडक्ट तो समझ जाइए कि जो दूसरी वाली मैट्रिक्स हमको दे रखी है ये आपको इनवर्स दे रखा है, तो आपका काम और आसान है। लिखेंगे सिंस A into A inverse is equal to I, therefore A inverse is equal to -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 है ना। तो ये ए इनवर्स हो गया हमारे पास। अब इसके बाद में आपको मैक्स निकालना है, तो मैक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 ए इनवर्स हो गया और बी कितना है 1 1 2 1 1 2 वैल्यू इनटू ये कॉलम -2 + 0 + 2 9 into 1 9 + 2 - 6 6 + 1 = 0 9 + 2 11 - 6 is 5 6 + 1 = 3 तो 0 5 3 ये हमारे पास इसके लिए 0 5, ठीक है जी। और इसके अलावा आप एग्जांपल 19 में बस मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं ये देखना जरा, जो मेन वाली बुक है आदित्य, इसमें ये दे रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पेज नंबर 100 पर है, तो शाम को 7, ठीक है, बस ये काट देना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो है नहीं इसका क्वेश्चन 7 काट देना। चलो चेक करके बताता हूँ, फिलहाल तो इससे पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 कर दी बस। पढ़ाई ठीक चल रही है, नींद बहुत आ रही है।